Hello students, good morning. Today we are going to learn part 2 of chapter number 13 Jishtwa Go Grahanam Swantam. It means luckily the abduction of cows ended happily. So, last we have studied in our last lecture that uh, uh, Abhimanyu is asking to them that who are you? You are a dharmaraj Jishtwa, you are a Bhimsen or you are Dhananjay. Why are you are asking my mother's name?

अपी कुशली पुत्र अपी इट इज आर यू ओके हु मीन्स आर यू ओके ही इज़ आस्किंग अबाउट देवकी पुत्र पुत्र केशव ओ अभिमन्यु इज कृष्णा द सन ऑफ देवकी ही इज़ ओके ही इज़ हैप्पी ही इज़ आस्किंग अबाउट हिम अभिमन्यु कथम त्रवनता अभी नामना सो ही इज टेलिंग कथम फॉर वाट फॉर वाट पर्पज आर आस्किंग सच थिंग्स लाइक मई मामा मई मदर्स नेम वाई यू आर आस्किंग एंड फर्दर इज आस्किंग तत्र भवंतम अपी नामना तत्र भवंतम अपी वाई यू आर आस्किंग धैट रिवर्ड एंड मैन हू ही इज़ वेरी रिस्पेक्टिव फॉर अस सो वाई यू आर आस्किंग अबाउट हीम अल्सो ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अस सो वाई यू आर आस्किंग अबाउट द रिवर्ड पर्सन बाय नेम जिसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका बड़े ही आदर से नाम लेना चाहिए बट यू आर जस्ट स्पीकिंग नेम ओनली

कथम इदानीम सावग्नम ईवम माँ हस्यते अभिमन्युम कथम इदानी सो so, ही हिस्टलिंग नाओ वाई फॉरवर्ड फॉर वाय यू आर सावग्नम सावग्नम वाय सार्केस्टिकली सार्केस्टिक मीन्स कटाक्ष से बोलना टॉन्ट में बोलना सो so, अब मेरे सामने ऐसे सार्केस्टिकली वाई यूर लाफिंग इवम माँ हस्यते सो वाई यूर लाफिंग लाइक दिस नाउ वाई यू आर वाई आर यू लाफिंग एट मी सर्कस्टिकली वॉट इज द रीज़न बिहाइंड दैट ऐसे आपको हंसते तो हो मगर हंसते हंसते मेरे सामने ऐसे क्यों हंस रहे हो कि जैसे कुछ कटाक्ष में कर रहे हो मुझे कुछ ऐसे टोंट में हंस रहे हो ब्रूहनल्ला न खलू किंचित सो ही स्टली इट इज़ नथिंग लाइक दैट सो रियली इट इज़ नॉट लाइक दैट वी आर नॉट टोंटिंग यू टम तू पार्थ पुत्र सो बट यू आर द सन ऑफ पार्थ पार्थ यानी अर्जुन त्व तू पार्थ पुत्र यू आर द सन ऑफ अ पार्थ यानी आप अर्जुन के पुत्र हो जनार्दन तव मातुल जनार्दन मीन्स कृष्णा इज योर मैटरनल अंकल जनार्दन अबाउट कृष्णा दे आर स्पीकिंग मातुल मीन्स मैटरनल अंकल त्व च तरुण त्व च तरुण मीन्स एंड यू आर यंग तरुण मीन्स यंग एंड त्व मीन्स यू एंड यू आर अ यंग बॉय तथा अपि तैना पदाती गृहित धैन ऑल्सो यू आर इवन धैन ऑल्सो यू आर कैप्चर्ड बाय दैट फूड सोल्जर्स दो आर वॉ दो आर वॉकिंग बाय देर फूट इतने महान फैमिली से बिलोंग करते हो आपके मामा भी इतने महान है दो ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल रिवर पर्सन देन ऑल्सो सिंपली आप uh, जो फूड सोल्जर होते उसके हाथों से पकड़े गए आप इतने महान होने के बावजूद महान uh, जो घर से बिलोंग करने के बावजूद भी दोज आर फूड सोल्जर दोज आर वेरी कॉमन थे कॉमन पीपल उनके पास आप पकड़े गए ही स्टेलिंग लाइक दैट मीन्स बाय फूड सोल्जर ओनली सो धैन ऑल्सो यू आर कैप्चर्ड बाय फूड सोल्जर नाउ अभी मनी स्पीकिंग अलम स्वच्छंद प्रलापेना सो सो ही टेलिंग अलम स्वच्छंद प्रलापे इनऑफ दिस लूज टॉक अब बहुत हो गया ऐसी आड़ी तेड़ी बातें करना बंद करो स्टॉप दिस टॉकिंग लाइक दिस अस्माकम कुले आत्मश् श्लांगा उचिता न हंसती आत्मश्लांगा मीन्स सेल्फ प्रेज दोजू आर दो आर प्रेजिंग अबाउट देम सेल्फनली हमारे में खुद के जो प्रशंसा होती है हम खुद नहीं करते हैं दूसरों दूसरे हमारे करते हैं हम अपनी जो बड़ाई होती है हमारी जो, हम जो महानता होती है हम खुद नहीं बोलते हैं वो दिखाई देती है वी आर नॉट लाइक like दैट uh, दो आर प्रेजिंग दे सेल्फ ओनली उचित न नीति इट इज नॉट प्रॉपर टू प्रेज अवर सेल्फ बाय अवर माउथ ओनली वाई वी शुड डू इनफ़ ऑफ़ दिस कन्वर्सेशन इन अवर फैमिली प्रेजिंग सेल्फ इज नॉट प्रॉपर फॉर अस रणभूमो हतेषु शरा न पश्यम विनाष्य हतेषु मीन्स इंजर्ड रणभूमो हतेषु शरान शरानी यानी जो एरोस से जो इंजर्ड होते हैं शर यानी जो एरोस होते हैं रणभूमि मीन्स इन अ बैटल फील्ड यानी जो हर्टेड होते हैं इंजर्ड होते हैं अगर हम इसको किसी को इंजर्ड देखते हैं माँ बिना नामांतरम न भविष्य तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट उसकी भविष्य पॉसिबल नहीं है इज़ टेलिंग दैट द एरोज ट्रक इन दोस हु वर कील्ड ऑन द बैटल फील्ड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट एक्सपेक्ट दैट माइंड विल बी फाउंड देर सो किसी का नाम नहीं आप देखोगे सिर्फ मेरा ही नाम आप मेरा नाम अगर जानना चाहते हो इफ वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ मुझे अच्छे से मुझे परिचित मुझसे होना चाहते हो सो यू कैन आस्क इन अ बैटल फील कि अगर कोई इंजर्ड प पड़ा है तो वो मेरे बाणों से ही पड़ा होगा इज टेलिंग नो अधर नेम एक्सेप्ट माइंड विल भी फाउंड देर अगर आप रणभूमि जाओगे तो अगर मुझसे कोई आ, हर्थ हो जाता है यानी मुझसे कोई आ, मर जाता है रणभूमि में तो उस वो, वो किसके बाण होंगे वह मेरे ही स्वयं के अभिमन्यु के ही बाण होंगे और किसी के नहीं अभिमन्यु ओनली केपेबल टू ही इज़ यंग अर्सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रेंथफुल तरसो बट वो किसी के uh, नाम से वह आगे बढ़ना नहीं चाहता है मगर वह युद्धभूमि में खुद वह अपने आप से ही वह आगे बढ़ सकता है सो ही डोंट वॉन्ट एनी प्लेस बाय एनी वन बृहनला आत्मगतम बृहनला स्पीकिंग टू हिमसेल्फ ओनली सम्यक आह कुमार टेलिंग व्हाट इज ही हिटे सेइंग इट इज अ राइट सम्यक मींस इट इज अ प्रॉपर इट इज राइट आह कुमार मींस स्पीक्स वॉट एवर हि सेंग्स दैट कुमार मींस प्रिंस राजकुमार सो ही इज टेलिंग टू हिमसेल्फ प्रिंस इज सेइंग व्हाट इज राइट प्रकाशम मींस लाउडली स्पीकिंग एवं वाक्य वाक्य यानी जो स्टेटमेंट होते हैं जो बोलने की जो छट्टा होती है सो so ही स्टेलिंग एवं वाक्य शोनिरम किमर्थ तेना पदा नम गृहितम ही इज टेलिंग दैट नोट नॉटीनेस इन द स्पीच देन वाई वे आर यू कैप्चर्ड बाय द फूड सोल्जर्स आप सिर्फ बातों के ही बो बोलने के ही साहस रखते हो देन आप इतने महान हो इतने बड़े योद्धा हो कि कोई भी अगर हत हो जाता है बैटल फील्ड में तो आप अगर ऐसे ही इतने महान हो तो आप फूड सोल्जर्स से क्यों पकड़े गए बार बार लगातार फूड सोल्जर से पकड़े गए फूड सोल्जर से पकड़े गए ऐसा बोल के वो उसको इरिटेट कर रहे थे बिकॉज ब्रूहन अल्लाह ही uh, वॉज अ फादर ओनली uh, ऑफ अभिमन्यु एंड भीमसेन भीमसेन और जो धर्मराज युधिष्ठ थे वो उनके चाचा थे तो उनको पता था कि ये ये हमारा ही घर के हमारे कुल का ही वंशज है तो अभिमन्यु उन लोगों को नहीं जानता था मगर वो लोग जानते थे कि ये हमारा बच्चा है सो दे वेर टीजिंग टू हिम वो लोग उसको उसके साथ मस्ती कर रहे थे सो ही इज अगेन एंड अगेन स्पीकिंग सेम थिंग वाई वेर यू कैप्चर बाय द फूड सोल्जर अगेन ही टू लाइक दैट अभिमन्यु अशस्त्रो माम मिगत अस्मी ग्रहण गत ही इज टेलिंग अशस्त्रो मीन्स ही इज सैलिंग हियर इट इज अशस्त्र विदाउट वेपन्स माम अभिगत तत अस्मि बिकॉज ही केम बिफोर मी ग्रहणम गत मीन आई हैव बीन कैप्चर दैट इज़ वाई आई हैव बीन कैप्चर बाय देम बिकॉज ही केम बिफोर मी सो अभी मन यू स्टेलिंग ही केम टू मी विदाउट एनी वेपन सो आई फाउंड माई सेल्फ कैप्चर अगर वो मेरे साथ क्योंकि वो फूट यानी वो पैरों से चल कर आए थे दैट सोल्जर्स ही केम टू मी विदाउट एनी वेपन उनके पास भी कोई वेपन नहीं थे सो so, मैं अगर युद्ध हमेशा होता है वो बराबरी का होता है इफ़ संबड इज़ हैविंग वेपन सो यू कैन ऑल्सो हैव योर वेपन्स इफ़ संबड इज़ ऑन शेरियर सो आपको भी अपने शेरियर पर जाकर उससे युद्ध करना चाहिए मीन्स युद्ध हमेशा बराबरी का होता है सो इट इज़ नॉट लाइक दैट सो अभी मनु के पास भी अभी अभिमनु ने देखा कि उनके पास कोई शस्त्र नहीं है दे हैव ओनली कम बाय फुट सो आई ऑल्सो आई हैव बीन हैप्चर बाय देम सो अशस्त्र माँ अभिगत अस््रहण दैट इज वाई आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय बै सेल्फ बाय देम सो ही इज टेलिंग लाइक दैट राजा दटट अभिमन्यु सो ही इज टेलिंग लेट अभिमन्यु हरिअ बृहनला इत इत कुम हियर दिस वे कुमार प्रिंस कम दिस वे दिस् महाराज हियर अवर किंग हवर मेजेस्टी इज हियर कम दिस साइड नियर बाय अवर किंग उपसर्पतु सो ही so, इज टेलिंग उपसर्पतु गो नियर बाय द किंग उपसर्पतु कुमार हो। प्रिंस अप्रोच अभी मनु हूँ आ कस्य महाराज सो इज टेलिंग आ कस्य महाराज औ हु इज हु इज मीन्स हु यहाँ पर किंग कौन है ब्रुहन अल्लाह न न न, न ब्राह्मण सहस्य नो नो ही इज सिटिंग विथ अ ब्राह्मी इज आस्ट किंगेर इज हिज सिटिंग नियर बाय द ब्राह्मी यू गो दैर ही नियर बाय द ब्राह्मण्ला ने बोला नहीं नहीं जो हु विथ द ब्राह्मण ब्राह्मण है ना सहस दैर ही इज अ किंग अभी मनु ब्राह्मण है नहीं थी उपगम्य उपगम्य मीन्स हि इज गोइंग नियर बाय द ब्राह्मण एंड अभिवाद और उसके बाद उसको अभिवादन करता है यानी उसको रिस्पेक्ट से बोलता है सो डिड यू से विथ अ ब्राह्मीन अप्रोचिंग टू लॉर्ड हियर आई एम गोइंग डाउन टू यू मैं आपको प्रणाम करता हूँ अभिवादन करता हूँ यानी आपको प्रणाम करता हूँ भगवान ही यही वत्स कम ऑन चाइल्ड अभिमन्यु अनुगृहित अस्मि। आई एम ऑब्लिक बाय यू मैं आपकी मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ सो ही इज टेलिंग लाइक दट राजा यही पुत्र आत्मगतम यानी अपने आप से ही बोवा बोल रहे हैं कथम माँ न अभिवादयी अहो उत्सुक खलु क्षत्रिय क्षत्रिकुम अहम दर्प प्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ केना गृह सो अगेन इज so, टेलिंग अहो उत्सिक उत्सिक्त मीन्स प्राउडली खलु क्षत्रिय क्षत्रिकुम अहम अस्य दर्शप प्रमोन में ही इज टेलिंग टू हिम लाइक दैट कम ऑन सन टू हिम सेल्फ हाउ इज़ इट दैट ही इज़ नॉट गोइंग डाउन टू मी दिस क्षत्रिय प्रिंस इज रियली इम्पोर्टेंट आई शैल सेब डू हिज प्राइड अलाउड नाउ बाय हुम वॉज द वॉज दिस कैप्चर्ड पर किसके हाथों से वह पकड़ा गया था सो आई वॉन्ट टू सी हिम एंड लाउडली स्पीक्स लाइक दैट भीम सेना महाराजा मया बल्लभ है ना And who was that food food, food soldier? She he was asking him like that. So he is telling Bimusena Maharaja Maya Ballavena. He is telling Maharaja Maya Ballavena. Balla, who is the Ballava? He is the Beam. So Your Majesty, by me, by Balla. Ballava is telling Beam Sena is only Ballav and Ballava only Beam. So he is telling Your Majesty, by me by Ballav. Mayani. वो मुझसे ही पकड़ा गया है अभी मूँ इति कथितम अभी इज टेलिंग लेट इट टू बी टोल्ड बाय यू हु वेर नॉट कैरिंग एनी वेपन सो ही टेलिंग सो ही टेलिंग देट लेट इट टू बी टोल्ड बाय यू हु वेर नॉट कैरिंग एनी वेपन देन भीम सेन टेलिंग शांतम पापम सहजो में प्रणम बुझो धनो तू दु दुर्बले गुहे थे विन्स एंड इजिंग शोइंग इज स्ट्रेंथ शांतम पापम ओ गॉड फॉरविड सहजो में प्रणम बुझो सहजों में भूजो मीन्स माई आर्म्स इज माई नेचुरल वेपन मेरे जो आर्म्स है मेरे जो हाथ है मेरी जो भूजा है वही एक वेपन के शस्त्र के समान है विदाउट वेपन ऑल्सो आई कैन फाइट वेरी वेल धनु तू दुर्बले गृह थे जो धनु जो धनु रखते हैं वह दुर्बलों की निशानी है सो इसलि मई आर्म्स आर ओनली मै नेचुरल वेपन्स अ बोव इज अ बाय द वी वीक पर्सन्स इट इज नॉट नेसेसरी मेरे हाथ ही मेरे वेपन जैसे आई डो ई डो नॉट नीड एनी काइंड ऑफ वेपन्स वेपन्स्ोजू आर कैरियंग बो एंड एरोज दे आर ओनली वीक पर्सन अभिमन्यु अभिमन्यू कि भा मध्यम मध्यम तातः युवती अभिमन्यू इज से दैट आर यू माई मिडल फादर हु स्पीक्स लाइक दैट मुझे पता है कि मेरे जो चाचा भीम है उसके पास ही ऐसी ताकत है जिसकी पूजाओं में इतना ज़्यादा बल होता है सो यू आर आवर मिडल अंकल मिडल फादर यर हुक्स लाइक दिस हिस्टैलिंग लाइक दैट राजा पुत्र कह अयम मध्यम नाम है किंग इज आस्किंग टू दैट अभिमन यू सन हु इंडीड इज दिज इज अडल वन ही स्टैलिंग लाइक दैट अभिमन्यु मनु शुरू था लिसन टू मी य खलु जरासंदम पंचत्व अन्यत सह ही टेलिंग अबाउट दैट जरासंग जरासंग को किसने मारा था भीमसेन ने सो ही स्टैलिंग हु इंडिड किल जरासंग वही है जिन्होंने जरा को मार डाला था जरासंघ बड़ा ही ताकतवर राजा था और वो जो जब जरा का जन्म हुआ था तो वो दो टुकड़ों में थे और उनको एक कर दिया गया था बट जब भीमसेन ने उसको मारा था तो फिर से उसके दो टुकड़े करके उसको अलग अलग दिशाओं में उसको फेंक दिया था सो ही इज टेलिंग अबाउट दैट ओनली दैट जरासंघ ने मारा था उसके बारे में बात करो कि जिन्होंने अपने हाथों से जरासंघ को ऐसे उखाड़ डाला जैसे कि कोई पत्ते हो तो आप उस ऐसे ताकत और भीमसेन की बात कर रहे हो तब प्रविश उत्तर धैन हु इज एंटरिंग हु एंटर्स उत्तरा Then, उत्तर एंटर्स इन द किंगडम उत्तर तात अभिवादय है फादर आई बो डाउन टू यू राजा महाराजे के वहाँ पर वैसे प्रणाली होती है ऐसी एक संस्कार होते हैं कि जैसे भी वह जैसे ही वह राजकक्ष में या तो सभागृह में अगर एंटर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे देर बोइंग डाउन टू देर किंग अदरवाइज वो फादर हो या सैनिक हो या तो कोई भी आ, आम आदमी भी क्यों ना हो वह पहले राजा को प्रणाम करता है सो so, उत्तर केम टू द किंग किंग्स सभागुरु एंड इज बोइंग डाउन टू हिज फादर उत्तर तात अभिवादय ता मीन्स फादर फादर आई आई एम गोइंग डाउन टू यू राजा आयुष्मान भवपुत्र सन यू लिव लॉन्ग लाइफ अभी पूजिता कृतकर्माण योद्धा ही इज टेलिंग सन यू लिव लॉन्ग लाइफ आर द सोल्जर्स हु परफॉर्म हीरोइक डीड्स ऑनर्ड वेल इतने जो कृत कर्माण यानी जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोज हैज डन हीरोइक वर्क कृत कर्माण योद्धा मीन्स दोज हु सोल्जर हैड परफॉर्म वेरी नाइस ड्यूटी उन्होंने क्या उनके उनके से आप बोल रहे हो मीन्स अभी पूजिता पूजिता कृत कर्माण योद्धा उत्तर पूजिता इज स्टाइलिंग यस दे आर ऑनर्ड पूज्य पूज्यतम अस्य करता पूजा सो स्टैलिंग पूज्यतम हु इज द मोस्ट वर्डी टू बी ऑनर्ड बी ऑनर जिसको जिसका रिस्पेक्ट देना चाहिए दोज हुर डिजर्व फॉर ऑनर दे विल दे विल गेट ओनली दोज आर मोस्ट वर्दी दे शुड बी ऑनर्ड ओनली राजा पुत्र पुत्रकस्य सन हु इज दैट uh, उसके किसकी हमें पूजा करनी चाहिए uh, राजा इज आस्किंग टू इज सन उत्तर हु इज दैट पर्सन उत्तर इज स्टैलिंग अतः धनंजय से इह यानी यहाँ पर ही वो है कौन है दो जू हियर हु इज दैट धनंजय धनंजय इज अर्जुन इज़ टेलिंग धनंजय द रिवर वन इज़ हियर यहाँ पर ही है जिनका हमें इतना सम्मान करना चाहिए वो यहाँ पर ही प्रेजेंट है राजा कथम धनंजय से इति टेलिंग धनंजय वॉट डू यू से अबाउट धनंजय धनंजय अथकिम उत्तर अथकिम सो यू यू आर टॉकिंग अबाउट हिम ओनली यस यू यू शुड बो डाउन टू हिम सो अत्र भवता अवता श्शान श्शातः निजधनु तू चयसायके चादय भीष्मादय हनृपा भगना वयम च परिरक्षिता यस यू आर टेलिंग अबाउट हिम टू हिम ओनली सो ही इज टेलिंग हीज टैलिंग हियर ओनली Atrabhavata, this gentleman, so Cha Akshaya Sayaki, he is telling, Cha Akshaya Sayaki means the innumerable arrows. Bhagna means frustrated and Parirakshita means protected. So, what he is telling? He is telling that innumerable arrows from the crematorium Bhishma and other kings were defeated and we were protected by this reward man. जिस जो भीष्म थे उनके बाणों की वर्षा इतनी तेज थी जैसे कि एक जो हवा का जो भवंडर होता है वैसी थी अगर यह इंसान हमारे साथ नहीं होता धनंजय हु इज जब्रूहन अल्लाह इफ ही वॉज नॉट प्रजेंटेड देर तो हम अभी यहाँ पर जीवित नहीं खड़े होते उनके बाणों ने ही भीष्म जैसे महान धनुर्धारी से हमें बचाया है सो विश्व एंड अदर किंग्स वेर डिफीटेड एंड ऑल वी वी प्रोटेक्टेड बाई दिस रिवर्ड एंड रिस्पेक्टेड मैन परिरक्षिता यानी उसके बाणों ने ही हमारी रक्षा की है उसके प्रोटेक्शन से ही हम आज जीवित हैं राजा एवं एतद इट इज लाइक दैट यस ऐसा ही हुआ था क्या ये सही बात है ब्रूहन प्रसिद्धतु प्रसिद्ध तु प्रसिद्ध तु महाराज मे हीज ए मजिस्ट्री बी प्लेस्ड आप महाराज की जय हो उत्तर व्यपनयतु शंका सो डू यू हैव एनी डाउट्स अयम एवं धनुर्धर धन धनंजय सो हिसाइन दिस इज श्योरी धनंजय द ग्रेट आर्चर जो अर्जुन था वो अपने धनुर्विद्या में बहुत ही महान था सो so, उनकी जो कंपेरिजन में ऐसा कोई नहीं था जो उतने जितना अच्छा बाढ़ चलाता था सो आई एम ओनली द ग्रेट आर्चर आई एम ओनली द धनंजय ब्रूहन यदि अहम अर्जुन तही भीमसेन सो ही इज टेलिंग इफ आई एम अर्जुन ब्रूहन अल्लाह से इफ आई एम अर्जुन देन दिस इज अ भीमसेन अगर मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और अयम च राजा युधिष्ठ सो एंड दिस इज अ किंग युधिष्ठिर सो जो मैंने बताया था लास्ट पार्ट में आपको पार्ट वन में उसमें मैंने सब बताया था कि अज्ञातवास क्या होता है सो so, दे आर रिवीलिंग दे आर एक्सप्रेसिंग हू दे वेर वो कौन कौन से राजा है और कौन कौन से ओरिजिनल uh, व्यक्ति कौन है वो बता रहे हैं अभी मुह अब मे पितर तेन खलु सो so हियर दीज आर मै फादर्स देयली really, न रुष्य मैं क्षिप्ता हस्तंचत क्षि क्षिपति माम दृष्ट्यागो ग्रहण स्वतं पितरो दर्शिता न यानी जो रुष नहीं होती है तो जू आर नॉट गेटिंग एंग्री दे डू नॉट गेट एंग्री वैन इंसल्टेड बाई मी एंड दे इंसल्ट मी वाइल लाफिंग लकीली द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टीलिंग द काउस एंड वेल फॉर इट शोड मी माई फादर्स सो दृष्टिया वो रण स्वंतम यानी जो गाव काव, काव का जो एबडेक्शन था वह लकीली कंप्लीट हो गया वह क्यों कंप्लीट हो गया बिकॉज इट एंडेड वेल फॉर इट शोड बी माई फादर्स क्योंकि मेरे जो ग्रांड पेरेंट्स हैं उनसे मुझको मिला दिया मेरे चाचा और मित्र पिता जी से उसकी मुलाकात करवा दी सो इट हैज़ बिकम फ्रूटफुल टू मी ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि न रोशनती माया यानी दे डू नॉट गेट एंग्री इंसल्टेड बाई मी वो मेरे से गुस्सा नहीं हुआ हस्तन छ क्षेम पति मामा सो दे इंसल्ट मी वाई लाफिंग सो दे हम दोनों एक दूसरे की बात पर इतने गुस्से नहीं थे मगर एक हैप्पीली एंडिंग सब हो गया सो इट इट गेट वेरी गुड एंडिंग इति क्रमेण सर्वाना प्रणमति सर्वे तस्में आशीर्वाद न बदंती सो बाय सेइंग दिस इति क्रमेण बाय बाय एंडिंग ऑफ दिस सर्वाना प्रणमती सो दे आर गोइंग डाउन टू ईच अदर एंड टर्निंग देर हेड बाय ईच अदर सर्वे तस्में आशीर्वाद नदंती ऑल ऑफ देम प्लेसिस हिम एंड उन्होंने सब जो उनके जो भीमसेन जो फा, जो फादर्स थे जो अंकल थे उन सब ने उसको प्लेस किया जो मिडल फादर थे जो बड़े फादर थे यानी जो युधिष्ठ राजा थे उनके अर्जुन जो अर्जुन, अर्जुन है उसके जो पिताजी थे उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दिया सो दिस इज द एंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन एंड अभिमन्यू इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय देर फोर फादर्स यानी जो उनके जो चाचा थे उनके पिताजी थे उनसे उसकी मुलाकात हुई बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दिस एब्रक्शन ऑफ कार्स सो आई एम सेंडिंग यू नोट्स एंड यू हैव टू कम्प्लीट मीनिंग्स एंड ऑल द संि शब्द इन योर फै बुक बाय दिस क्लोसरी थैंक यू